हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 हरे। मुख्य आकर्षण केंद्र रहेगा भगवान जगन्नाथ जी के साथ तीन हनुमान जी के स्वरूप, जो कि दशहरा पर विजय स्वरूप बनते हैं। जैसे कि आप पिछले देख रहे हो, पिछले 17 सालों से वे भी जगन्नाथ जी की अगुवाई कर रहे हैं। 108 नारियल पानी की एक माला बनाकर, विशाल माला जो कि क्रेन के द्वारा आकाश मार्ग से ऊपर से जगन्नाथ जी को नारियल पानी का 108 नारियल पानी की माला बनाकर भोग लगाया जाए। यहाँ से भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य महा विशाल भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जगन्नाथ जी के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा और जगन्नाथ जी के परम अनन्य शिष्य अनन्य भक्त ऐसी भक्तिदांत शिला श्री प्रभुपाद जी रथ पर विराजमान होंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। आज की प्रेस वार्ता में इस्कॉन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 17 वर्षों से इस्कॉन कुरुक्षेत्रा एवं इस्कॉन प्रचार समिति कैथल द्वारा आपके कैथल शहर में भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य महा विशाल भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में इस वर्ष भी दिन शनिवार 13 जुलाई को ठीक शाम को 5 बजे श्री खाटू श्याम मंदिर अम्बाला रोड से, जो कि नज़दीक हिंदू गर्ल्स स्कूल अम्बाला रोड पर है, वहां से भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य महा विशाल भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जगन्नाथ जी के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा और जगन्नाथ जी के परम अनन्य शिष्य अनन्य भक्त ऐसी भक्तिदांत शिला श्री प्रभुपाद जी रथ पर विराजमान होंगे। और भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य महाविशाल रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी के रूट पर, जो कि अम्बाला रोड से शुरू होकर छोटू राम चौक, डान रोड, सेक्टर 19 मार्केट, मध्य मार्ग ऋषि नगर, जाट स्कूल, करनाल रोड से होते हुए पेहवा चौक से कमेटी चौक और कमेटी चौक से श्री गीता भवन मंदिर पर विशाल भंडारे के साथ जगन्नाथ जी रथ यात्रा का समापन होगा। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री नवीन जिंदल जी, सांसद कुरुक्षेत्र लोकसभा, हमारे बीच पधार रहे हैं। उनके साथ श्री मान लीला राम जी, विधायक कैथल, श्री राम प्रताप गुप्ता जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, श्री सुरेश गगनौज जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, और अनन्य हमारे कैथल के उपायुक्त और कैथल की SP मैडम, ये सभी गणमान्य व्यक्ति लोग जो हैं कल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेने आ रहे हैं, उन्हीं के कर कमलों के माध्यम से। और हमारे बीच भगवान जगन्नाथ जी के परम अनन्य भक्त और इस्कॉन कुरुक्षेत्र के परम अध्यक्ष श्रीमान साक्षी गोपाल दास जी के निर्देशन में, उनके अगुवाई में यह भगवान जगन्नाथ जी की 17वीं भगवान जगन्नाथ जी की विशाल दिव्य महारथ यात्रा का आयोजन कल होने जा रहा है। हाँ जी, मुख्य आकर्षण केंद्र रहेगा भगवान जगन्नाथ जी के साथ तीन हनुमान जी के स्वरूप, जो कि दशहरा पर विजय स्वरूप बनते हैं। जैसे कि आप पिछले देख रहे हो, पिछले 17 सालों से वे भी जगन्नाथ जी की अगुवाई कर रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी के परम अनन्य भक्त हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी का होना भी जगन्नाथ जी के साथ बहुत जरूरी है। तो इसलिए तीन हनुमान जी के स्वरूप बनेंगे, जो जगन्नाथ जी के साथ पूरी रथ यात्रा में रहेंगे। और जगह जगह जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के मार्ग पर 8 56 भोग आकाश मार्ग से भगवान जगन्नाथ जी को लगाए जाएंगे। और छोटू राम चौक पर 108 नारियल पानी की एक माला बनाकर, विशाल माला जो कि क्रेन के द्वारा आकाश मार्ग से ऊपर से जगन्नाथ जी को नारियल पानी का 108 नारियल पानी की माला बनाकर भोग लगाया जाएगा जगन्नाथ जी को। और जगह जगह इन कार्यक्रमों के अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो जगह जगह लोग अपने अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, प्रतिष्ठानों के बाहर, शॉप्स के बाहर, फैक्ट्रियों के बाहर इस रथ या मार्ग पर करेंगे। जगह जगह शहर भर की सभी संस्थाएँ इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं और जगह जगह जगन्नाथ जी का स्वागत के लिए में पंडाल लगा रहे हैं, स्टेज लगा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। लुधियाना से भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा के लिए विशाल रंगोली, जो कि जगह जगह 15 स्थानों पर रंगोलियाँ बनाई जाएंगी, बड़े विशाल रंगोलियाँ बड़े स्तर पर बनाई जाएंगी। अजमेर से, राजस्थान से 7 लोगों की टीम, जो कि बड़ी फेमस है पूरे भारत भर के अंदर, ढोल की टीम है 7 लोगों की, राजस्थान की लुक में वो जगन्नाथ जी के लिए आ रहे हैं कल। और ऐसे पूरे हरियाणा पंजाब से कल कैथल की जगन्नाथ जी रथ यात्रा में लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसे तरह तरह के कार्यक्रम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रहेंगे। जगन्नाथ जी का एक छोटा रथ सबसे आगे, जगन्नाथ जी के छोटे स्वरूप में ही जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी एक छोटे रथ पर, हमारा जो छोटा रथ है इस्कॉन का, उसमें विराजमान होंगे, वो सबसे आगे चलेंगे। ढोल नगाड़े रहेंगे, बैंड बाजे रहेंगे और 10 झाड़ुओं के साथ
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के मार्ग की सफाई होगी और साथ में दो सोने की झाड़ू जो कि हमारे वहाँ जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा लुधियाना में होती है वहाँ से दो सोने की झाड़ू आ रही हैं, वो मुख्य अतिथि के द्वारा झाड़ू लगाकर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का और नारियल फोड़ कर जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत होगी। समय रहेगा 5 बजे शाम को। सुरक्षा की दृष्टि से हमारी जो रथ की दो प्रकार से रथ यात्रा की रूट की जो है रथ की जो हम सुरक्षा कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई हैपनिंग ना हो, मिसहैपनिंग ना हो, ताकि लोगों को बचाया जा सके। तो उसमें अंबाला की सिक्योरिटी है, अंबाला के बाहर से सिक्योरिटी आ रही है और साथ में बाउंसर्स रहेंगे काफ़ी सारे। और साथ में हमने कल SP मैडम से बड़ी रिक्वेस्ट की थी, हमने उनसे बड़े निवेदन किया था कि हमें हाई प्रोफाइल जो है सिक्योरिटी चाहिए सुरक्षा के लिए, क्योंकि रथ यात्रा में जो रथ यात्रा चलती है तो लगभग 6-7 हज़ार लोग साथ चलते हैं और लगभग पूरे रथ यात्रा के रूट के अंदर 1-1.25 लाख लोग दर्शन कर लेते हैं रात तक। तो रथ यात्रा आपको जानते हैं कि 5:30 शुरू होगी, 12:30 बजे समाप्त होगी। तो उन्होंने हमसे पूरा बोला है, उन्होंने कहा है हमें कि आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। जेब कतरे भी बहुत आ जाते हैं कई बार रथ यात्रा, वो हम समय समय पर रथ के ऊपर से बार बार अनाउंसमेंट करते हैं कि आप अपना कोई भी कीमती सामान, पर्स है, मोबाइल है, सोने की चैन, डेबिट क्रेडिट कार्ड, लाइसेंस वगैरह कृपा साथ ना लेकर आए। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि हजारों वर्षों से भगवान जगन्नाथ जी अपने पूरे धाम के अंदर, पुरुषोत्तम धाम पुरी के अंदर, उड़ीसा के अंदर भगवान जगन्नाथ जी की हजारों सालों से रथ यात्रा निकल रही है, क्योंकि वहाँ मंदिर में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है केवल हिंदुओं का प्रवेश है और जाति के लोग भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी वर्ष में एक बार केवल हमारे सनातन धर्म में केवल जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसा है जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, एक ऐसा स्वरूप है जो केवल मंदिर से बाहर आता है। जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है सनातन धर्म के अंदर तो वो मंदिर से बाहर नहीं आती, केवल जगन्नाथ जी ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में एक ऐसा स्वरूप है जो अपने भक्तों पर दया करने के लिए, कृपा करने के लिए वर्ष में एक बार मंदिर से बाहर आते हैं। तब जब मंदिर से बाहर आते हैं तो रथ के ऊपर विराजमान होते हैं, तो किसी भी जाति का, जो कोई भी संप्रदाय का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो भगवान जगन्नाथ जी का रथ के ऊपर दर्शन कर पाता है। क्या अपील रहने वाली है कैथल वासियों से? हमारी सभी शहर वासियों से अपील है, सभी नगर वासियों से ये हाथ जोड़कर विनती है, कृपया अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि वर्ष का ये सबसे बड़ा महोत्सव है, इस्कॉन का ही नहीं, पूरे कैथल समाज का, पूरे कैथल शहर का सबसे बड़ा महोत्सव है। हम सब जानते हैं, सब देखते आ रहे हैं इतने सालों से, तो इतना सारा शहर बाहर निकलता है, तो उनसे हमारा निवेदन है कि घरों से बाहर आएँ, जगन्नाथ जी रथ पर आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, ब्राह्मण पुराण में कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी को उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान देखता है उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो जगन्नाथ जी के रथ को खींचता है वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है समय में। तो इसलिए हाँ, रंगोलियाँ बनाई जाएगी, जगह जगह पानी छिड़का जाएगा, झाड़ू लगाई जाएगी, जगन्नाथ जी के रथ की बुआई की जाएगी, सफाई की जाएगी। और हमने साथ में ये भी रखा है स्वच्छ भारत कमीशन जो है उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए कि रथ यात्रा के पीछे नगर पालिका से हमने निवेदन किया है कि एक ट्रॉली और 10 लोगों की सफाई कर्मचारी साथ चलेंगे, जैसे जैसे रास्ते में लोग जो स्वागत करेंगे, जो कूड़ा खिंडेगा उसकी सफाई साफ साफ होती रहेगी ताकि पूरा शहर साफ सुथरा रहे। समापन स्थल पर 10,000 लोगों के लिए भंडारे प्रसाद की व्यवस्था है रात को, जो कि 7 बजे शुरू हो जाएगा, शाम को, रात को 1 बजे तक चलेगा वो। ये 17वीं रथ यात्रा है, 17वीं कैथल की 17वीं रथ यात्रा है, और हरियाणा के इस्कॉन के हिसाब से पूरे नॉर्थ इंडिया में लुधियाना के बाद इसका दूसरा नंबर आता है और हरियाणा में इसका नंबर पहला आता है।